गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर वन का पेज नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर वन जो अपना था शेप्स एंड स्पेस, उसमें आज का जो टॉपिक है रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो रोलिंग और स्लाइडिंग के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, दो फिसलन पट्टी हैं। तो पहले वाले में जो बॉय है जो उसके फिसलन पट्टी के ऊपर है, वहां से एक बॉल को डाल रहा है और बॉल रोल करते हुए आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद एक दूसरी जो फिसलन पट्टी, उस पर गर्ल बैठी हुई है, वो वहां से एक बॉक्स जो स्टार बॉक्स दिखाई दे रहा है वो वहां से फेंक रही है, फिसलन पट्टी पे डाल रही है। तो वो क्या करके आ रही है, स्लाइड करते हुए आ रही है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो रोल करते हैं, ठीक है ना, रोलिंग करते हैं, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी राउंड शेप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, लेमन, एप्पल, ठीक है ना, जितने भी राउंड शेप के होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो रोल करते हैं, रोलिंग करते हैं, ठीक है ना। बॉल, लेमन, ऑरेंज, एप्पल, फुटबॉल, ये सब क्या है, रोल करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है, मतलब लुढ़क रही है। और इसी तरीके जिन ऑब्जेक्ट में फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है ना, जिसमें सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। द ऑब्जेक्ट विच हैज अ फ्लैट सरफेस कैन स्लाइड, जैसे बॉक्स में फ्लैट सरफेस होता है, मतलब सीधा रख दो तो रख जाती है, बॉल थोड़ा रोल कर जाती है, ठीक है ना। तो उसको अगर ऐसी सरफेस भी डालते हैं, ठीक है ना, तो वो स्लाइड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो स्लाइड कर रही है। और देख लेते हैं ऐसे एग्जांपल। तो यहाँ पर जैसा बोला गया है, टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, आपको उन ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो रोल करती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है पेंसिल, फिर फुटबॉल, फिर ये बटर का केक जैसा दिखाई दे रहा है, और फिर ओनियन है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं, रोल मतलब लुढ़कते हुए जाते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस में कौन कौन से रोल करेंगे, अगर इसको जो पेंसिल है, ठीक है ना, इसको अगर जो स्लाइडिंग सरफेस पे डालेंगे तो ये भी क्या करेगी, रोल करेगी। फुटबॉल तो ऑलरेडी रोल करेगी, और ये ओनियन भी रोल करेगा, लेकिन इसमें रोल कौन नहीं करेगा, ये जो बटर केक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट रोल करेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब ये यहाँ पर भी चार ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, तो इसमें आपको दिखाना है कौन सी ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है। तो हमने बताया कि वही ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है जिसमें क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, राउंड सरफेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में भी क्या है, राउंड सरफेस है, तो ये क्या है, स्लाइड नहीं करेंगे, ये रोल करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके बैटरी में भी क्या है, राउंड सरफेस है, तो ये स्लाइड नहीं करेगी। स्लाइड कौन सी करेगी, स्लाइड सिर्फ ये जो आपकी ब्रीफ केस दिख रही है यही वाली करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर ये क्या है, ये इसका ये कैसा सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है जिनके फ्लैट सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट राउंड सरफेस के होते हैं, उनके सरफेस क्या होते हैं, राउंड होते हैं, वो रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है रोलिंग एंड स्लाइडिंग का। अब इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, वाइज ग्रैंड मदर, ठीक है ना। वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, एक बार क्या था, एक लैम्ब कहाँ जा रहा था, अपनी ग्रैंड मदर को देखने जा रहा था। लैम्ब क्या होता है, शीप का जो बेबी होता है, भेड़ का, ठीक है ना। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ ओल, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू ईट यू, रास्ते में वो जब जंगल से गुजर रहा था तो उसके एक ओल्फ मिला, मतलब भेड़िया मिला। वो क्या कह रहा था, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो ऐसा उससे कह रहा होगा। अब प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रांड मदर, यू कैन ईट मी When I return, अब जो लैम कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ,
तुम मुझे खा लेना जब मैं वापस आ जाऊं। ओके यू मे गो। तो जो भेड़िया था वो कहता ठीक है जाओ, तुम जा सकते हो मतलब, ठीक है ना। व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द ऊप, ठीक है ना। जब वो मतलब वापस आने को ही था तो जो बात थी तो जो उसकी भेड़िए वाली वो अपनी ग्रैंड मदर से बताता है, कौन लैम। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। अब उसकी जो दादी थी ग्रैंड मदर उसको एक आइडिया बताती हैं, ठीक है ना, मतलब देती हैं इसको लैम को। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक ही डिड सो। वो क्या कहती हैं कि जाओ और अपने आप को ढोलक में छिपा लो, ठीक है ना। तो वह उस तरीके उसने यही काम किया, मतलब ढोलक के अंदर छुप गया। तो उसने वैसा कर लिया। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। अब ग्रैंड मदर ने क्या किया, उस रोल्ड कर दिया मतलब लुढ़का दिया ढोलक को, कहाँ पर, ऑन द रोड पे मतलब सड़क पे। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, और ढोलक रोलिंग डाउन लुढ़कना आरंभ कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, द लैम सा द उल्फ वेटिंग फॉर हिम। तो वहां जो मेमना था भेड़ का बच्चा, वो देख रहा था कि भेड़िया उसका इंतजार कर रहा है। फिर अब यहाँ पे जो उल्फ था, जो भेड़िया था, क्या कह रहा है ढोलक से, कह रहा है डिड यू सी ए लैम कमिंग दिस वे, क्या आपने देखा है कि मेमना इधर से आ रहा है। तो ढोलक कहती है नो। द उल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टिंग रनिंग बिहाइंड द ढोलक। जो भेड़िया था उस थोड़ा संदेह कर गया और फिर क्या किया उसने, उस ढोलक के पीछे पीछे रनिंग करने लगा, दौड़ने लगा, ठीक है ना। बिफोर द उल्फ कुड कैच हिम द लैम रीच होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। इससे पहले कि उल्फ जो भेड़िया था उसको पकड़ पाता, लैम रीच्ड होम मतलब लैम कहाँ अपने घर पहुंच गया था, एंड उसने धन्यवाद दिया किसको, अपनी ग्रैंड मदर को। देखिए यहाँ पे पहुंच गया भेड़िया, बाहर रह गया, वो अपने घर के अंदर हो गया, उसने लॉक कर लिया दरवाजा, ठीक है ना। ये इस तरीके से मतलब चतुराई से मतलब बुद्धिमानी से उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी जान बचा ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लें, दिखाई दे रहा है कि जो ढोलक थी वो उसके सरफेस कैसी थी, राउंड थी ना। ढोलक की सरफेस कैसी होती है, राउंड, इसलिए क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो यहाँ ये भी एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, रोलिंग में, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है शेप्स, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। यहाँ पे ट्राइंगल के शेप्स दिए हुए हैं, अब उनको जो सेम साइज के उनको क्या करना है, मैच करना है। तो पहला तो मैच है, फिर इनको भी आगे जो शेप्स दिए उनको भी मैच करिए, कौन किससे मैच कर रहा है। तो चलिए ये मैं मैच कर रहा हूँ, ये दूसरा जो ट्राइंगल है इस वाले से मैच करेगा, फिर जो थर्ड वाला है वो इस वाले से मैच करेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इससे मैच करेगा लास्ट वाले से, और लास्ट वाला ऊपर से फर्स्ट से मैच करेगा। तो इस तरीके से आपको ये शेप्स को मैच कर देना है जो सेम साइज के हैं। ओके अब जो अगला क्वेश्चन है, मैच द सेम शेप्स। आप पहले ऊपर वाले में क्या था, सेम साइज के शेप्स को मैच करना था, अब इसमें सेम सेम शेप्स को ही मैच करना है, ठीक है ना। तो एक ऑलरेडी रेक्टेंगल मैच है, अब ये सर्कल को सर्कल से मैच कर दो, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से मैच कर दो, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल से मैच कर दो, ठीक है ना। ये हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है तो हाफ सर्कल से मैच कर दो, ये पेंटागॉन है तो पेंटागॉन से मैच कर दो। तो इस तरीके इनको भी मैच कर लेना है। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज भी इतना ही, पेज नंबर 16 से तक ही करेंगे, और आगे की वीडियो में फिर अगले पेज में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।